नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है माय ब्लू एजुकेशन चैनल में। मेरा नाम जयप्रसाद सिंह है और आज हम रिव्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में। यस, जो रुड़की में है। देखो, रुड़की का नाम तो आपने सुना ही होगा। रुड़की एक एजुकेशनल हब है इंडिया में, वन ऑफ द बेस्ट और फेमस है IIT रुड़की की वजह से, है ना। तो भाग्यवश बहुत सारे बच्चों को IIT नहीं मिल पाते हैं, तो क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। ग्रोइंग इंस्टीट्यूट इसे माना जाता है क्योंकि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं इसका एस्टेब्लिशमेंट का यूनिवर्सिटी के रूप में, लेकिन ये बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है। और पर्सनली मैं इसे विजिट कर चुका हूँ, तो कई सारी चीज़ें ये देते हैं फैसिलिटीज़ जो बहुत बहुत यू नो रेयर है, आपको बाकी इंस्टीट्यूशन में देखने को नहीं मिलता है, है ना। और जर्मन भी यहाँ पे सिखाया जाता है, जर्मन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कराया जाता है। बहुत बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली ये सब चीज़ें जस्ट कराते हैं, ओके। तो देखो, जो भी कोर्स आपको करना है ना, जो भी क्वेरीज है, है ना, आपके पास होता है अपने करियर को लेकर, कौन सा कोर्स ले, है ना, क्या करें नहीं करें, कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाओ बात करो, हो सकता है मैं अभी आपसे बात करने का मुझे टाइम मिल जाए, है ना। तो आप में जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लैरिटी के साथ मैं बात करूँगा आप लोगों के साथ, ओके। तो सबसे पहले देखो, क्वांटम यूनिवर्सिटी का हम बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी का। इनका एस्टेब्लिशमेंट 2017 में हुआ था, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कैंपस इनका रुड़की है, ओके। और रिकग्निशन AICTE UGC के द्वारा मिला हुआ है। कैंपस साइज 30 एकड़ का है। रिकग्निशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। कॉलेज रैंकिंग बताऊँ तो MBA के लिए 60 है 2020 में टाइम्स के द्वारा। मोड्स ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन भी है, फुल टाइम भी है, डिस्टेंस भी है यहाँ पे अवेलेबल। नंबर ऑफ कोर्सेज 113 है 14 स्ट्रीम में, और 3 तरह के स्कॉलरशिप देते हैं। हाईएस्ट सैलरी 18 लाख तक लग चुका है। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से स्कूल्स हैं, जैसे कि बिजनेस स्कूल हो गया, है ना, इंजीनियरिंग स्कूल हो गया, मेडिकल स्कूल हो गया। तो इस तरह के जो स्कूल्स यहाँ पे कितने हैं वो सारे आप देख सकते हो। देखो, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ बिजनेस है, स्कूल ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़ है, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर स्टडीज़ है यहाँ पे, ओके। स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज़ एंड डिज़ाइन है, स्कूल ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज है, स्कूल ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म भी है, और स्कूल ऑफ लॉ भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो लगभग में जो भी कोर्सेज आप करना चाहते हो यहाँ पे आपको लगभग में मिल जाएगा, ओके। तो चलिए अब बात करते हैं रैंकिंग का, इस इंस्टीट्यूट का रैंकिंग क्या क्या है, कितना कप मिला हुआ है, ओके। इनको 43 रैंक मिला हुआ ओवरऑल टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा 2021 में, और रैंक 60 मिला हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा 2020 में मिला था, ओके। ये 59 मिला हुआ है MBA PGDM के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा 2021 में। यस, अगर आप PGDM MBA करना चाहते हो स्पेशली, तो देखो ये PG कोर्स है, ये करियर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसके बाद मतलब आर या पार होता अपने लाइफ में, है ना। तो बहुत सारे बच्चे अंडरपेड हो जाते हैं PGDM MBA करने के बाद भी, उसका कारण है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए कॉलेज में रहते रहते, प्रोजेक्ट पे काम करना हो गया, थीसिस पे काम करना हो गया, जो भी रिसर्च आप करोगे ये सारी चीज़ें होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा चाहिए नॉलेज इससे रिलेटेड तो आप व्हाट्सएप करना, ठीक है। तो 59 इनको मिला हुआ है, ओके। और बीटेक के लिए 73 मिला हुआ है, बीटेक करना चाहते हो तो 73 रैंक है। और 96 अगेन मिला हुआ था 2020 में वीक के द्वारा MBA PGDM के लिए, ओके। और इनको अवार्ड भी मिला हुआ है, कुछ इंजीनियरिंग अवार्ड मिला हुआ है, और साथ में नंबर वन इन उत्तराखंड बिजनेस के लिए अवार्ड मिला हुआ है द वीक के द्वारा, ओके। तो इस तरह के कुछ अवार्ड्स भी इनको मिले हुए हैं। और देखो, अब बात आती है फीस के बारे में। तो देखो, फीस जो आपको है आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, दिख जाते हैं, लेकिन फीस फ्लेक्सिबल है, हर साल थोड़ा बहुत चेंज आते रहता है फीस में, है ना। तो अपडेटेड जो लिस्ट है वो अभी मेरे पास है, बट वो PDF में है, तो हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप व्हाट्सएप पे पूछना, व्हाट्सएप में आपको डायरेक्टली वो पूरा PDF मिल जाएगा फीस का, ठीक है। तो फीस यहाँ पे लगभग में फ्लेक्सिबल है, बट बीटेक का तो वो एवरेज जो फी है यहाँ पे पर एनम का वो लगभग 1,10,000 है, ओके। तो बाकी जो कोर्सेज का है MBA PGDM को लेकर जानना है तो आप व्हाट्सएप करो। और नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट हाईलाइट्स को लेकर, प्लेसमेंट कब कितना लगा है, ओके। तो चलिए देख लीजिए स्क्रीन में, देखो हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑलरेडी बता चुका हूँ 18 लाख रुपए, और एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे लगभग 2.5 लाख से लेकर 3 लाख लगता है। और नंबर ऑफ कंपनीज जो अब तक विजिट कर चुका है वो है 173, और लगभग 672 स्टूडेंट को प्लेसमेंट लग चुका है, ओके। और प्लेसमेंट रेट यहाँ पे है 84% MBA एंड BTech का, ओके। और हाईएस्ट पैकेज जो अब तक लगा हुआ है PBA के स्टूडेंट को
है ना, जो बीबीए करना चाहते हैं उनको 6 लाख लग चुका है पर एनम का, और एवरेज 3 से 4 लाख रुपया लग चुका है, और लॉयस जो पैकेज है यहाँ पे 2 लाख रुपया लगा है, और बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे 3 से 4 लाख लगभग एवरेज पैकेज यहाँ पे लग जाता है बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को। ओके, और नेक्स्ट हाईएस्ट पैकेज बीटेक के स्टूडेंट को लगा हुआ है 14 लाख रुपये। ओके, और यहाँ पे टॉप कंपनीज जो भी आए हैं आप उनका नाम देख सकते हो, क्विक हिल आया हुआ है, एसकेएफ है, टेक महिंद्रा है ना, सेंटल है, महिंद्रा है, ये सारे कंपनीज आ चुके हैं। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डोमेन वाइज, सेक्टर वाइज जो एलुमना यहाँ से निकले हैं किनको कहाँ पे लगा है जॉब, है ना, कितने परसेंटेज में कहाँ पे लगा है, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि आपके एलुमना जो हैं कॉलेज के वो कहाँ कहाँ पे जॉब करते हैं। ओके, किस किस इंडस्ट्री में, तो देखो यहाँ पे देख सकते हो परसेंटेज वाइज, है ना, बिजनेस डेवलपमेंट एंड सेल्स में लगभग 27% काम कर रहे हैं, और 14% ह्यूमन रिसोर्सेज पे काम कर रहे हैं, 11% हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, 10% ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं, और 9% एजुकेशन में, और 7% इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, 5% कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, 5% मीडिया एंड कम्युनिकेशन में काम कर रहे हैं, और 4% इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, बाकी रिसर्च वगैरह में, ये सारे में जो है यहाँ के सीनियर्स काम कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे स्कॉलरशिप भी दी जाती है जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 3 तरह का स्कॉलरशिप। अब देख लेते हैं कि ये स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है, तो वो डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए स्कॉलरशिप को लेकर। ओके, बीटेक या बीटेक ऑनर्स करोगे तो यहाँ पे देखो, अगर आपका परसेंटेज 12th में 70 से लेकर 80% के बीच में है तो आपको 10,000 रुपये मिल जाता है, और 80 से लेकर 90% के बीच में है तो 20,000, और 90% से अबव है 12th में तो आपको 30,000 का स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाता है। और बाकी डिप्लोमा के लिए, बीबीए बीए के लिए, है ना, आप कोर्सेज देख सकते हो सेकेंड लाइन में, एग्रीकल्चर को लेकर हो गया, बीएससी एनिमेशन को लेकर हो गया, या बीसीए वगैरह जो भी है, इसमें अगर आप 65% से लेकर 75% के बीच में लाते हो तो 8,000 रुपये मिलता है, और 75 से लेकर 85 तक लाते हो तो 10,000, और 85 से लेकर उससे ऊपर जितना भी परसेंटेज लाते हो तो लगभग 12,000 रुपये आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। और बीकॉम के लिए हो गया, बीए ऑनर्स के लिए हो गया, है ना, और इसमें आता है आपका इंजीनियरिंग, इको, साइकोलॉजी हो गया, बीएससी ऑनर्स हो गया, जो भी इस तरह के कोर्सेज हैं, और बीएचएम हो गया, तो इसमें अगर आप 65% से लेकर 75 तक लाते हो तो 6,000 मिलता है, 75% से लेकर 85% तक लाते हो तो 8,000 मिलता है, और 85% से लेकर अबव लाते हो तो लगभग आपको 10,000 का स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे फैसिलिटीज देखो सारे लगभग में अवेलेबल है जो भी होता है एक इंस्टीट्यूट में। ठीक है, फिर भी आपको बता देता हूँ, लाइब्रेरी है, कैफेटेरिया है, ओके, हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल दोनों ही कैंपस में है, मैंने विजिट किया है ये सारे को, है ना, और हमने वीडियो भी बनाया, ब्लॉग भी बनाया, बट बहुत जल्दी वो आ जाएगा कैंपस रिव्यू। ठीक है, और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है, बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, है ना। तो और बाकी सब चीज़ें अगर बताऊँ तो जिम है, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी है, वाईफाई कैंपस है, ऑडिटोरियम भी है, सेमिनार हॉल भी है, म्यूजिक रूम है, कन्वीनियंस स्टोर है, उसके बाद सिविल सर्विसेज भी है, अगर आप वहाँ पे बगल अगर बगल में रहते हो, मतलब जैसे कि रुड़की में रहते हो या फिर वहाँ से बाहर मुजफ्फरनगर इस साइड में रहते हो तो भी आपको बस सर्विसेज मिल जाता है। ओके, तो चलिए फिर यही था पूरा का पूरा क्वांटम यूनिवर्सिटी का रिव्यू। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते एक वीडियो में, बहुत सारी चीज़ें छूट गई होंगी, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हम पब्लिकली बता नहीं सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें जानना है डिटेल्स में, तो अब हमसे कॉन्टेक्ट करो व्हाट्सअप में। ठीक है, और हम ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने का, एंड एट द एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को देन डू सब्सक्राइब इट, एंड ताकि आपको करियर के लिए जो भी क्वेरीज है ना, इंटरव्यू को लेकर हो गया, एंट्रेंस एग्जाम को लेकर हो गया, कैसे प्लेसमेंट आप अच्छा कर सकते हो, ये सारी चीज़ें को लेकर जानना है, तो इस तरह के वीडियो यहाँ पे आते रहते हैं, डू सब्सक्राइब इट, एंड थैंक यू वेरी मच।